वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आई हुई हूँ, मैं कहाँ आई हुई हूँ ये तो आप लोग खुद देख लें और समझ जाएं कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। आज है सैटरडे नाइट और आज हमने सोचा, क्योंकि कराची का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। तो आप लोग ज़रा गेस करें और बताएं मैं कहाँ आई हुई हूँ। ये देखें, ये बताएं कौन सी जगह है। ये रेगिस्तान तो है नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से रेगिस्तान तो जा नहीं सकती, तो इसलिए मैं आई हुई हूँ सी व्यू पर। मैं अब जा रही हूँ पानी में, क्योंकि सी व्यू आओ और पानी में ना जाओ ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये रहा, अब मैं जाऊँगी पानी में। जी फ्रेंड्स, ये देखिए ये रहा पानी और ये है आबी। ये देखिए पानी, और मैं ऊपर हो जाऊँगा मेरे मोबाइल से पानी ना आ जाए। और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मौसम भी कराची का बहुत टाइम बाद इतना अच्छा हुआ है। ये देखें सामने सूरज और ये रहा चांद और ये समंदर में। इतना मज़ा आ रहा है, पानी भी है ऐसा ठंडा ठंडा हो रहा है जैसे बर्फ़ डाली हुई है। और मेरे मोबाइल पर आ गया था पानी, जिसकी वजह से मैंने बहुत देर तक व्लॉग नहीं बनाया और अब मैंने कंटिन्यू किया है। अब हम आए हैं खाना वाना खाने। ये रही आपी और ये रही मम्मा और अब हम आ गए हैं सी व्यू से, क्योंकि अब रात हो गई है। आप लोग भी आइए, दावत है आप लोगों की भी। और अब हम आए हैं यहाँ पर ज़मीन अंसारी। ज़मीन अंसारी हम पी रहे हैं चाय, फिर उसके बाद हम खाना वाना खा लिया, अब हम पी रहे हैं चाय। जी आ गए हैं, अभी आ रही है किचन की सारी चीज़ें, ये खा रहे हैं हम चीज़ें, अपना खाना हम खा रहे हैं अब खाना। फाइनली हम घर आ गए हैं और बहुत मज़ा आया। और आज जो है कराची का मौसम भी बहुत अच्छा था, तो फिर हमने अचानक से हमारा प्लान बना, हमने सोचा क्यों ना जो है हम सी व्यू साइड पर निकलें और थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाएगा और ये है कि मज़ा भी आएगा और बहुत मज़ा आया। और अब क्या है, अब तो सिर्फ पेपर्स उसी की तैयारी करनी है, तो टाइम भी नहीं मिलेगा। और अब देखो किस व्लॉग में मैं आती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जिस जिसको मेरा आज का ये वाला व्लॉग अच्छा लगा वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।